राजस्थान के रंग में हरियाणा पिरमिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज स्वाध्याय हरियाणवी में 11वां दिन है, तो हमारा चैनल का पहले नियम नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो हरि नो वरि। तो इसी नियम को आधार बनते हुए हम आपका सेशन शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा होस्ट है सरिता दैया जी, और आज का स्पीकर्स है पूजा कुंडू जी और प्रदीप कुंडू जी, ये एक्सपेंड करेगा योग साधना के लिए। दूसरा स्पीकर है अंजू कांबोजी जी, अंजू मैडम एक्सपेंड करेगा फाइव फिंगर कॉन्सेप्ट। तो आज का भजन भी अंजू कांबोजी जी। सो मैडम, आज का सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू मैडम। आज तो मैंने चुंदड़ी दिखा है पूजा कुंडू की है सरिता दैया मैडम, चढ़ा हो रहा है आज तो है, मतलब आवाज नहीं आ रही। सरिता मैडम आप को-होस्ट, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अब आगे से अनम्यूट नहीं किया था सर ने मुझे। ओके जी, मैं ही कह रही हूँ, मैं का पूजा कुंडू ने कति चाला कर रखा है आज तो है, जो अपना एक टॉपिक और साथ में कति हरियाणवी ड्रेस डाल रखी है है, कितनी अच्छी लग गए है हरियाणवी। अरे भाई वह महायोग कुंभ में बोल के आई है, है? तो आज तो कति गजब हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। ओके सरिता मैडम, पीएमसी हरियाणवी चैनल के सारे दर्शकों ने सरिता दैया की राम राम। देखो जी साहब की आप सब ने बेरा है, स्वाध्याय सीरीज चल रही है, और आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में है श्रीमती पूजा कुंडू जी। और पूजा कुंडू जी जिला सोनीपत में गांव ढराणा है वहां से है, और कति ग्रामीण परिवेश में है, वहां जो ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर जिंदगी के है भी काम करा खाए पिए सोए, उड़े अपने बारे में सोचने का ना तो टाइम होता और ना तो कोई सोचता, तो इसे तो कदे बातें नहीं होती। लेकिन पूजा कुंडू जी ने उस दिनचर्या में तो विलेखड़ के अपने बारे में सोचा भी ये रोजमर्रा के काम के साथ साथ भी जिंदगी में कुछ और है, उसने पहचाना और ध्यान से जुड़ी, और वह केवल चार पांच पिछले तीन चार महीने तक ध्यान से जुड़ रही और बहुत खुशी अनुभव करी और बहुत अच्छा अनुभव होया उसने। और नु कहा करे कि भी दुख बांटन तो घटा करे और खुशी बांटन तो बढ़िया करे, और उस उद्देश्य पर काम करती जो पूजा कुंडू है वो उस खुशी ने बांटन लाग रही है। उसने चाहे गांव में कोई भी मिल जा उसते ध्यान सिखा दे है, और उनका कहना कि भी रोज एक ने एक बंदे तो जरूर बताऊ कि भी ध्यान किए हुआ है क्यों कर करना है, और जब तक कति आत्मा प्रफुल्लित तो हो जा कति खिल जा है, जब गांव की बुढ़ी लुगाई आकर न्यू कहे आए वो तू ध्यान सिखावे है हमने भी सिखा दे, तो खुशी की अति चरम सीमा हुआ है। और वह कति चाव लड़ जाया माँ का खूब खुशी खुशी सिखावा भी है, और वो पूजा कुंडू मैडम आज हमने भी सिखावेगी भी योग साधना क्यों हुआ है, योग साधना क्यों कर करी जा है, उसका के महत्व है, और उस नाम अपने जीवन में क्यों कर अपना सके है। और पूजा कुंडू मैडम सुना आप योग साधना सिखाओ हो, थोड़ी सी हमने भी सिखा दो, जल्दी से सामने आ जाओ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सरिता मैडम, आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? बिल्कुल आ रही है मैम, आओ आप जी। राम राम जी सारे ने, जो हमारे परी पीएमसी हरियाणी चैनल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, देखो मेरे एक हाथ में फोन है, मैं हाथ तो जोड़ नहीं सकती पर मैं दिल से राम राम करूँ आप सब ने, मेरी राम राम ने स्वीकार करियो। और देखो इतनी बड़ी मास्टर भी नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तीन चार महीने थे बस आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आपसे सीखा जो कुछ भी सीखा है। मेरे पास पहले ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी,
हाँ कि ये था कि योगा की लाइन से है ना मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि भी ओम चैंटिंग कर लिया करते थोड़ी बहुत, उससे ना मैंने सोचा कर दिया हो मैं तो घनी बड़ी ज्ञानी होगी, मैं ओम चैंटिंग करने लग गई। लेकिन जब ध्यान से जुड़ी हूँ उसके आगे उसने देखकर तो मैं बिल्कुल जीरो थी, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही एक दिन संगीता मैडम का है ना मेरे पास फोन आया कि पूजा ऐसे ऐसे ना हमारा अध्यात्म का एक चैनल चल रहा है और उससे जुड़ जाओ आप लोग। ठीक है हाँ, बरली मैडम के सामने भाई रिश्तेदारी का मामला था, कदे रिश्तेदार रुस जाओ है। तो मेरी मेरी सास से बात हुई, कहन मैं कहने लगी मकामा ऐसे ऐसे अरुण नेहरा की बहू का फोन आया आज। बोली अच्छे अरुण नेहरा की बहू का फोन आया। मखान उर्नु को है भाई अध्यात्म के बारे में सिखाओगे कि सा चैनल हमारा जिस पे है ना मैं अध्यात्म तो जोड़ा हाँ और जितने भी हो सका आप उससे जोड़ियो सारे ना जोड़ियो। हाँ ठीक है मैडम जोड़ेंगे जरूर। पर उस दिन रात ने तो है ना मैडम सच्ची बताओ मैंने नींद भी नहीं आई, मैंने सोची थी तड़के तड़क संगीता मैडम उठाएंगी उठना पड़ेगा भाई ना कहीं तो बात माननी भी पड़ेगी, पर नहीं मेरा नहीं कांड कौन सा होगा मेरी गिल्लिया मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो भाई जैसे ही संगीता मैडम ने कही भाई आंख बंद करके बैठ जाओ अपने हाथ पैर क्रॉस कर लो हाथा माथ ले लो। ठीक है मैडम दो चार दिन तक लगी रही आंख बंद करके बैठी रही कुछ बेरन बाड़ी था क्या है के बारे में बस। फिर मन ने भी नहीं हो गया मन ने इसकी पूंज पकड़ ली तो मन ने पकड़ के ही नहीं देखना यू है के सौदा। मैंने फिर एक बात आवा मैडम मन में जैसे किसी चीज के बारे में पता नहीं हो ना और मैंने कोई न्यू बता दे या चीज न्यू नहीं है इतना उसकी गहराई में ना जा लू ना इतना मैं भी उसका पेंडेंट छोड़ दिया कर दी। तो ऐसे करके मैडम ध्यान में बढ़ते चले गए और ये अच्छे से ध्यान भी लागण लग गया है और इसका मैडम भला हो आपका आप हमने इतनी बढ़िया लाइन में लेकर आए है आपने वर्ता ध्यान सिखाया। और जहां तक अध्यात्म की बात है मैडम अध्यात्म जैसे था तो बचपन से ही लेकिन इतना नहीं था जितना कि हम जुड़ पाए हैं इससे। बचपन से वो ऐसे था जैसे घर में कोई कीर्तन सत्संग होता बुआ जी रहा करते हमारे पास है तो बुआ जी है ना भजन गाती है कि आज हरी भवानी शेर की सवारी करके इसे से भजन गांधी मैं भी उन गेला की रही मगा हाँ बुआ आप भी गाओ हो तो मैं भी देखूंगा कि इसमें इसमें है के सौदा यू। एक दिन बुआ ने सुन ली गांधी हुई बुआ बोली आए बेटी तू कितने सीख आई मुखा बुआ भतीजी तो तेरी ये हूँ कितने नहीं कितने तो नहीं मैं कैच कर लिया गांधी सुन ली बड़ी ऐसी बुआ गवा बेटी ही। अच्छा फिर मैडम जो छोटी उम्र में थे छठी क्लास में पढ़िया करती हूँ छठी क्लास में पढ़िया करती तो हमारे उड़े मायके में बरने आगे बहुत सारी गाय इकट्ठी हो रहा करती गौशाला में तो निकाल दिया करते वहां मतलब घूमती फिरती नहीं रहा करती और वो घूमती फिरती ना बरने आगे बहुत सारी जगह थी उसमें वो इकट्ठी होकर बैठे भी करती और वही उड़ गोबर भी करती कोई वही न्यार भी घेर कर चला जाता वो भी खा करती। हमने सोचा कर देख सब के सब है ना हमारे बारे आगे गंदगी फैला कर जाओ है अरे हमारे बारे आगे गोबर करके जाओ हम कि मैडम इस बात के बारे में है ना इतना ज्ञान कौन था जब कोई बतानिया नहीं था इस चीज के बारे में। हमने सोचा कर दे सब के सुथरे बारे हम भी अपना सुथरा बारना रखेंगे हम क्यों बैठन दे अपने बारे आगे। तो ऐसा होया मैडम एक दिन एक छोटी सी बछिया थी तो बछड़ी है ना जैसे ही किसी के घर में चली गई वहा और उसका है ना किसी ने जोर तक लठ मार दिया बेचारी की कुल्ली टूट गई बछड़ी की छोटी सी की। अरे मेरी मम्मी बोली पूजा ये तो है ना अपने बरने आगे पड़ी है ये तो घना बड़ा पाप हो गया बेटा और इसने नु कर भीतर ले आओ क्यों करे। मैडम उसने है ना मतलब पापा ने लाकर भाई ने लाकर वो भीतर ले गया हमने उसकी कई दिन तक सेवा करी बछड़ी की सेवा करते करते ना तो वह जीव है ना वह उठे ना वह पानी पीवे थी मतलब हमने कई दिन तक मैडम 10-12 दिन तक हमने रखी अपने घर में जो कुछ हमारे बन पाया हमने कराया उसके खातर। तो मैडम ऐसे ही किसी ने बता दी कि भाई या तो है ना बछड़ी घनी दुखी हो रही है तो मिसा करो इस तरह है ना भागवत कथा का है ना इस तरह जो इसके शब्द हो इसके कान में पड़ेगा ना इसकी मुक्ति हो जाएगी तो तुम सुना दो। तो मेरी माँ बोली बेटी तो धर्म का काम है। अरे मेरी बेटी कर दे कोई बात नहीं या पढ़ाई के काम आओगी तेरा कर दे तू मेरे गए तुम और तो कर दी ठीक है माँ कर दूंगी। मैंने कही हो तो गीता तो पढ़नी है एक बस नहीं सोचा कर दे किताब सी पढ़नी है बैठ कर लगे पढ़न जी उसने हो गए उसमें 18 अध्याय थे तो उसमें उस दिन जिस दिन 11वां अध्याय था ना पता नहीं जी राम जाने उस दिन क्या हुआ था वह गौ माता के प्राण निकल गए 11वें अध्याय पर।
मेरी माँ बोली, ए बेटी ये तो बड़ा धर्म का काम हो गया, या तो है ना गौ माता थी तड़प्या करती, चल इस ना अगला जन्म मिल जाएगा, इसकी मुक्ति होगी, इसका कम से कम दर्द से पीछा तो छूट गया, ये तो हमने परमात्मा ने बेरा भाई इसके लिए किसकी खातर किसी ने अच्छा करा बुरा करा किसी ने करा होगा तो अपने लिए करा होगा, हमने अपना काम करना जो हमारा काम है वो भी काम कर दिया मैडम। फिर तो जैसे गौ माता की वो प्राण निकल गए ना, मेरे भी मन मन हो गया, हाँ कुछ ना कुछ तो शक्ति है जो इनके पीछे रहेगा काम कर रहा है। तो फिर मेरी और भी रुचि बढ़ गई मैडम भागवत कथा पढ़ने की, मैं उस टाइम में 6th क्लास में थी, तो जैसे जैसे फिर ऐसे ही मतलब इन किताबा के पढ़न का जुनून सवार हो गया, फिर ये पुराण होया करती है हमारी। फिर मम्मी बोली कि बेटा है ना पुराण रखी अपने घर में, पुरानी बुक किताब है उसने और पढ़ दे, फिर वह भी पढ़ दी मैडम, एक दिन पढ़ते पढ़ते पढ़ आ गई, बीच में कम तक में आधी पढ़ दी थी मैंने वहां, तो पढ़ते पढ़ते एक दिन पता नहीं क्यों होया मेरे मैं अपने मैडम में बैठी बैठी हंसने लग गई, ऐसी गई बैठी बैठी उन्होंने मैं पढ़ी पहले मैंने वहां, फिर मैं ऐसी मम्मी मेरी नुडर गई छोरी गई भूत प्रेत पड़ी गई, ऐसा काम क्यों कर रही है या ऐसा या ऐसा ना बोलती मारे टाइम 10-15 मिनट तक मैडम मैं ऐसी आ गई, मैंने भी नहीं पता होया भाई मैं क्यों ऐसी, पहले मैं खूब हंसी और फिर मम्मी मेरे तक कहने लगी ना बेटा की होया, फिर मैं खूब रोई भी उसकी सामने बैठ कर ना, वो भी चांस था मैडम। तो उसके बाद फिर मैडम हम चले गए 10th क्लास में हो गए मैडम, पेपर चल रहे थे हमारे, पेपर चल रहे थे तो उस टाइम पे सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते और ना इतनी कोई खासी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दिया करते, लेकिन फिर भी मैडम किस तरह का है ना मैं पढ़ लिया करती, न्यू नहीं थी भाई पढ़ मैं कती डफ रही थी, अच्छे नंबर लेकर आई 10वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते। तो मैडम हमारे गाँव में है ना उड़ा एक आपने सुनी भी होगी जो राजा बलि हुए हैं, राजा बलि का जो द्वार है और जो उसने 99 यज्ञ करे थे और 99 यज्ञ करके जो भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर आए थे ना वो पताल मुंह उतार दिए थे उनके ऊपर, जो उन 3 वरदान मांगे थे उन टाइम और वरदान मांगे थे, तो राजा बलि ने उन वरदान में 3 पग भूमि मांगी थी विष्णु भगवान ने, मैंने 3 पग भूमि दे दी। तो राजा बलि थे जो बहुत दानी पुरुष थे, वो किसी तो मना ही नहीं करया करते हवन करने के बाद कि कोई भी आओ सब ना है ना खाली हाथ जाने दिया करते। तो राजा बलि ने अपनी आंबर ली थी कि भाई ठीक है मेरे द्वार पर ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, वो बावन का वामन का रूप लेकर आए थे, मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं खाली नहीं जान दूंगा, चाहे उन्हें इसके लिए अपने जीवन का भी बलिदान क्यों नहीं करना पड़े। तो वामन भगवान ने कही कि भाई 3 वचन भर ले, वचन भर लिए, वचन भर कर बोले ठीक है मैंने 3 पग भूमि चाहिए सिर्फ, मैं तेरे को कुछ नहीं लेंदा। तो राजा बलि बोले कि ठीक है तने आपने तो सिर्फ 3 पग भूमि महंगी है और मेरा तो इतना बड़ा नगर है, मैं तो जब मेरा सोमा यज्ञ पूरा हो जाएगा मैं तो इंद्र देवता का स्थान मिल जाएगा, आपने तो सिर्फ 3 पग भूमि महंगी मेरे पे। तो उन अपने अहंकार में आकर उन तो वचन दे दिया विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान ने क्या करा, वो तो सारी सृष्टि के पालनहार थे, सब कुछ उनके हाथ में था। तो भगवान ने एक पैर में तो पूरा आकाश मैप दिया, दूसरी डिंग भर का पूरा पाताल लोक मैप दिया, तीसरी डिंग रहेगी। तो बोले विष्णु भगवान बता राजा बलि तीसरा पग मैं कहाँ रखू, मेरे आपने 3 वचन दिया तो मेरा तीसरा वचन जगह जगह बता मैं कहाँ रखू तीसरा पैर। तो राजा बलि भी समझ गए हाँ कोई चीज आ रही है बड़ी आज और भाई इस तो कुछ वचन दिया है तो निभाऊंगा भी। तो राजा बलि जी ने के बोले कि महाराज देखो ये तो मेरे पास कुछ नहीं है, आपने सब कुछ 2 पग में आपने सब कुछ माप दिया है, ये भी मेरे शरीर का अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो मेरा जो ये शरीर है ना मैं आपने अर्पण करूँ और मेरा ये शीश है ना मैं आपके सामने झुकाऊ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे शीर पे पैर रख लो, आपका तीसरा वचन मैंने जो आपका दिया था वो पूरा हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने बोले ठीक है तेरे जिसा मैंने ईसा भगत नहीं देखा जो तेना आज इतनी बड़ी भक्ति करी लंबी चौड़ी 99 यज्ञ करे सोमा यज्ञ होंदे तेने देवता का स्थान मिल जाए वो। तो उनने उसके शरीर पर पैर रखा और राजा बलि को पता लोक में तैर दिया। आज भी मैंने हमने तो देखो जी उसने माव है जो राजा बलि हुआ पता लोक के स्वामी है और जो गांव में है ना उनका बहुत बड़ा द्वार है और वो भूमि है ना हमारे गांव में बताई जाओ कि यहाँ पे राजा बलि ने है विष्णु भगवान ने राजा बलि पताल लोक में उतारे थे और वहां पर है ना मैडम आज भी अगर हमें देखा ना
थोड़ी ही मिट्टी निकाल के जो 99 ये करे गए थे ना राजा बलि ने, उनकी राख आज भी निकले वहां जमीन में। अगर हम वहां पर थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल कर देखें तो वह धूमे की उनकी हवन की राख थी जो, वह आज भी उसके ऊपर ढेर बन गया, मतलब कुरड़ बन गया वो। और उस कुरड़ के ऊपर है ना उनका राजा बलि का द्वार बना रखा है गांव आड़ा रे मिलकर ने, मतलब बहुत तगड़ी मान्यता है। तो ये मैडम जैसे हम 10वीं क्लास में हो गए, हम बचपन तक नहीं सुनाया करते भाई दादा खेड़ा अपना ग्राम देवता है जो कुछ मान्य पूरी हो जाए हम। तो मैडम हम क्या करते, हम स्कूल में जाते सरकारी स्कूल में, कई जनी अपने अपने भुंड भुंड कट्ठी होकर जाते, बैग में क्या करते मैडम हम लुटिया घर ले जाते छोटी ही तांबे की, और लुटिया घायल का है ना दादा खेड़े पर ऊपर को जाना आया करता, अब नुकंदे देख बे चल लांगे दादा खेड़े के ऊपर को, और दादा खेड़े ने नू आया का परिक्रमा करके जब चलांगे अपने बढ़िया नंबर आएंगे, जब दादा खेड़ा सबकी सुना मारी नहीं सुनागा हम भी तो उसके बालक हाँ। तो भाई इन्हें करते करते है ना अगर ज्ञान बेरा ही लागण देवा थे बैग में लुटिया भी है। तो मैडम हम बैग में लुटिया रखते अपने में, और एक दिन फिर मम्मी ने देख लिया ऐसे ही बोली आई पूजा मुखा हाँ मम्मी बोलो ये बैग में लुटिया के कर है मुखा मम्मी मन ना रखी बैग में लुटिया का मेरे बैग में लुटिया का के काम। बोले ना बेटा साची साची बताया कर झूठ नहीं बोलिया कर दे, मुखा मम्मी साची बताऊं क्या होया, वो फलानी थी ना रेखा, रेखा मेरी फ्रेंड का नाम था और वह थी पंडिता की छोरी। वहां बोली पूजा अपन दादा खेड़े ना है ना छींच कर चलिया करेंगे, दादा खेड़ा अपनी सुनेगा अपने बढ़िया बढ़िया नंबर आओगे। मुखा ठीक है बकाई मैं गए उसकी, मुखा मम्मी न्यूर न्यू बैग में लुटिया आ गया करती। तो फिर रिजल्ट आ गया मैडम नंबर भी बढ़िया आ गए। फिर मेरे में भी बोली पूजा तेरी तो परिक्रमा है ना दादा खेड़े ने स्वीकार कर ली बेटा, मखा मम्मी इस बात तो आप सही को हो परिक्रमा तो मेरी स्वीकार कर ली नंबर भी बढ़िया आ गए। और उस टाइम पर है ना मैडम नंबर भी बढ़िया आ गए, उस टाइम पर रिजल्ट हमारे गाँव का इतना गंदा था, सिर्फ हम चार लड़कियां ही ना 10th क्लास में सिर्फ चार लड़कियां ही पास हुई थी। दादा खेड़े का वो इतनी बढ़िया आज तक वो मेरा याद है कि दादा खेड़े ने उस टाइम मेरा बढ़िया साथ दिया था ना, तो मन मानो लुटक जाती उसमें। तो मैडम ऐसे ऐसे है ना फिर आध्यात्मिकता की ओर में बढ़ती चली गई, तो आध्यात्मिकता में बढ़ती चली गई मैडम। आगे जो करे फिर शादी होगी सासरे मैं गई, सासरे मैं गई मैडम वो है मना अपने पुराने कर्तव्य करने नहीं छोड़े जूझे खरिया कर दी पाछे, दादा खेड़ा सिंजना भागवत कथा पाठ करना ऐसी उपराण पढ़नी। मैं लेकर आई अपने घेर से मेरी सस बोली आई या के लिया तू मोटी ही किताब इसका क्या करेगी, मखा मां या मैं बीए उस टाइम जब मेरी शादी हुई ना बीए फाइनल में पढ़िया कर दी, मखा मां या मेरी किताब है बीए फाइनल की आखिरी पेपर रह रही है हरी इसकी पढ़ाई करनी रह रही है बस। मैं बोले अच्छा बेटी मंडी का पढ़िया कर फिर इसने क्यों छोड़ा। फिर एक दिन देखी उन्होंने उस पर के उसकी शिवजी भगवान की मूर्ति, बोली आए ये शिवजी भगवान का भी कुछ पाठ उठाने लग गया के इसमें, मखा मां है जाकर शिवजी भगवान का भी नहीं बिना हम के ले रहे हाँ इन दबिनियों ने बताई मैं ये भी काम करूं मैं पढ़ ली हूँ इन चीजा ने अपनिया ने। तो ये चलता रहा। फिर एक दिन मैंने सच्ची बताई मैडम इन टाइम, मैं बोली मखा माँ आज माँ अपने है ना थोड़ी ज्ञान की बात बताऊंगी। बोली के ज्ञान ले रही है, के ज्ञान ले रही थी सा, मखा माँ देखो है ना मैं मतलब मैं भागवत कथा का पाठ भी कर ली हूँ, मैं शिव पुराण का पाठ भी कर ली हूँ, अरे कादा छोटा मोटा भजन भी नहीं है कितने तो जोड़ ली हूँ सीख ली हूँ गुनगुना ली हूँ, अरे इन गुनगुनाने का नहीं सुना मैं काम करती ना मैं भजन गुनगुना जाती अपने आप पे बात कराया जाती। तो मेरी मम्मी बेटे ने बोलिया तू आपो आप भजन गाओ है तू मैंने भी सुनाई दिया करके दे इस ज्ञान ना बाहर कर देगी जब तो बड़ा गा बस फिर तो मैंने क्या है जरूरत ही नहीं थी परमिशन मिल गई कर गया कि परमिशन मिलते ही मैडम फिर तो मेरा पंख लग गई फिर मैं कितनी टिकट की थी। फिर तो मैंने कर दिया अपनी प्रैक्टिस शुरू यार सत्संग माया करती बुढ़ी उन दौरा जाना शुरू कर दिया क्यों मैडम वो भजन गांधी और मेरा है ना मन में तनी लोर उठ दी जो मुन दौरा जाकर बैठ जाऊं मेरा नहीं मेरे भीतर की आत्मा है ना मैं न्याय नहीं कर दी और मैंने कोशिश कर दी मन नहीं कि मारे घर के परमिशन दे देना तू चलिए जाकर देख मैं सही मैं दौरा जान लग जाऊंगी। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड तो पूछ ली से मैंने वो डोली लाई उसका साइज साइज डोली ला ला पूछा माँ कहते यार काम काई घर तली कटन करा बता दे तो नहीं पता पहले भेजू सत्संग में डोली लाई साइज साइज नहीं वो कह नहीं कर रोल पुचकार कर का अपनी कोई भी बात मनवा लियो मनो एक काम करे मैडम इनकी गल सहज सहज में बोली प्रदीप जी आता है माँ आप देखो ना कितनी बढ़िया बढ़िया भजन गाव है आओ है ना कितनी मजा हा सुन के बोले ठीक है वो तो मजा हा पर मेरे समझ में तो कोने आंदी है के को है वहां समझा तो मैं दूंगी आपने के को है इनकी जो इनका ज्ञान है ना जो सुनागा उससे ने प्राप्त तो है न्यू ना किसी के कानम पड़े समझ मान दिए कहू है की है ध्यान तो लेकर सुनो मैं कहू है
अच्छा मैडम फिर बोले अरे ठीक है तुसी दिसी दिन में कह देने मैंने सत्संग में जाना है मेरा क्यों रोली ला रही है। मैं बोली मुखा मन जाना तो हो फिर मुखा मन दे दे परमेश्वर में चली जाऊंगी। बोले ठीक है और किसे के घर जाना नहीं है कदे भी इतनी भगतनी बन जाना गाँव गाँव मा सत्संग में धक्के खी मैं ठीक और कितने जाऊंगी बस एक आड़ा जान की परमिशन दे दो मैंने सत्संग भवन में। अरे वो उसके सत्संग भवन की मेरे घर का है ना दीवार के दीवार लग गए हैं मैडम है ना उसके ओटे पर कूद के चली जाऊँ मतलब इतनी पास में हो मैं गाल में किसी ने भी दिखा फैलाने की वो सत्संग मजा रही है क्यों मैडम नया नया सांग था सब अपनी बेइज्जती नहीं मानने वो इनके पहले सत्संग में जावा है। अरे ये हो गया दे हाथ का काम थोड़ा सा तो मैडम मैं लगी सत्संग बतान शुरू शुरू में बुढ़ी भी मैंने देख कर नहीं आई नहीं नहीं भूख सत्संग में के काम मखा ताई दादी सुन लियो रोटी तम खाओगी तेरे पेट में जाऊंगी मैं खाऊंगी तो मेरे पेट में जाऊंगी राम ने तुम बजोगी तो तुम पाओगी अर्जे थोड़ा थारा ज्ञान में भी ले लूंगी तो थारा के घटागा तो उनके उनके भी मेरी बात सुन मैगी मैडम मैं लगी उन अपना फिर वो मैंने खोल दी दो अपनी पोथी भगवत गीता की उन गया ज्ञान उसमें सुन मैं फिर दोनों मेरा पीछा ही नहीं छोड़ दिया। फिर तो कदे इव फिर नहीं वो कहती बेटी भादवे का महीना आ गया भादवे की कहानी सुनानी तो मारता भादवे की एक भी नहीं की कथा सुनानी है मैं तत्परा कर दी मेरे साथ यार बस मैंने एक बॉर्डर दे दियो तुम मैं पीछे नहीं हटूंगी। आंधी जी मेरे दौरे किताब ले गए बेटी देखिए या किताब तू बेच देगी वहां ताई बेच क्यों नहीं दूंगी तुम बस एक बॉर्डर तो दो पूजा थर दोरे पाओगी। अच्छा भादवे की कथा सुना दी मैडम इन तय फिर भागवत कथा के पाठ करवा दिए इनके फिर ये मेरे दोहरा दी कनागता में कहती है बेटी कनागता में बहुत धर्म हुआ भागवत कथा करेगा और बेटी तो तेरी भी हो जाएगी और मारे वर्गिया के भी करना पड़ जाएगी सुना दे बेटी। मैं बोली मखताई उसका मेरे बाप ने नौकरी तो मिली को नहीं पढ़ाई लिखाई बतेरी पर बैठी हूँ बेरोजगार कर गरा हो सका है मेरी ये पढ़ाई या नहीं पढ़ाई गई हो मेरे पापा ने मैंने ये पढ़ाई सारे काम आ जाएगी कितना तो मैंने अपनी पढ़ाई का यूज होगा मेरी का मैं बैठी बैठी मेरी विद्या किसने दिखा है। मां चलो ठीक है ताई मैं थर दो राया करूंगी तो जान लगी मैडम हूं नहीं समझ आ गया मेरी कथा में। वह ने बोली बेटी चाहे तू पांच मिनट का अड़का जा कर पर तू है ना हमने चाहे एक पेज सुना जा कर पर तू आ जा कर। तो मैडम ऐसा होता मैं कथा सुना दी होता कई बार इसी मजबूरी भी हो जाती भाई ना जा जाओ था आंधी ओटड़े भो गुडी मेरे दो पूजा ए प्रदीप की बू ए प्रदीप की बू ए पूजा मखा आ गई ताई आ गई फरे दो आऊंगी ये वैगी जानी मतलब उनने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा यार मन उनका नहीं छोड़ा। तो ये मैडम आमी से गुड़ मिल गए अक्सारी की सारी बात हो ना आपस में शेयर भी कर लिया हाँ ज्ञान भी बैठ लिया हाँ और मैडम मैं कहती चुगली करी हो तो किसी की चुगली भी कर ले क्योंकि लेडीज डिपार्टमेंट ही सौ उसमें सारे डाल का महकमा बैठा उड़ा है हम सब ने एकदम तक तो हम समझा नहीं सकते उसके बारे में। तो मैडम ऐसे ही फिर इव जैसे मैं ध्यान की लाइन में आएगी फिर मैं उनके बीच में कि बम फोड़ा ही ध्यान आला जाते फिर मैं लगी कहन उन्हें सहज सहज सरकारी मनोर ध्यान की बात सहज सहज ओले ओले तो मैं एकदम तो नन्नू कहती तुमने ध्यान करना वो नहीं कहती है कि पागल बना रही मारा काम का कदे कथा पढ़ा कदे कि मैं कराया कदे कुछ करा ही ध्यान आया क्या तरह। मैं फिर उनका लगी कहन मखताई हम भजन गाओ वो भजन गांधी आके बाहर के डो वैसे ढूंढ ले अपने भीतर में कुछ इस टाइप के का भजन था उनका। तो एक दिन मैंने ये भजन सुना उनका मैं बोली उन जाकर अगले दिन मैं ताई भजन गाए थे तुम था तुम कह लगाओ थी बोला कौन सा मखाए अखबार के डो हो ढूंढ ले भीतर ले मैं अपने में फिर मैंने मिल गया पॉइंट भीतर लटो उनका। और यू मारक भी सही कहो संगीता मैडम हमने मास्टरी लिखा हुआ है कि हमने कैसे घुसना अगले के अंदर। तो मैं गई मखा एक बात बताओ ताई ये में थमको हो भाई भीतर ले मटो लियो कदे कोशिश करी अपने भीतर मटोने की है भगवान की था एक भगवान ने बताया दो भगवान की था। देखो मैं भी थारे के डाल थी मैं भी आज नवरात्रे थे मैंने भी पूजा पाठ कर ली नवरात्रे भी रही शिवरात्रि भी रही शुक्रवार के व्रत भी रही मतलब मन ने जितने है ना पैंद से रहना की मैं भी था मन ने नहीं छोड़ा उस टाइम पे कुछ भी। तो फिर मैं बोली मखा मन ने बताया दो परम यू भगवान है कि ले बेटी बुढ़ी लुगाई हाँ जुकर कोई न्यू बताया देना न्यू ये हम भी कर लिया माँ फिर ताई सुन लो तू हम अपनी बेटी मानो है ना और देखो गलत तो मैं थारे आगे भी नहीं बताऊंगी जो कुछ मैंने सीखा है ना असली बात बताऊंगी थारे ते। अरे भना आपा कतीश की जड़ में घुस रहे हाँ ध्यान की ईव हमारे पहना ध्यान का रंग बरसना शुरू हो गया हम ईव कसर रह दी हमने इसमें नानी की देखो मैं तो लगी हूँ नाने
और मैं ना आना मना मैडम मने न्यू लग गया अपने आपे ते जे कर मैं ध्यान करे पाछे मने शुरू शुरू में दो जिक्र नहीं करा जब मेरा ध्यान लगन लग गया ना तो मैं जंदी उन लेडीज के पास तो देखो सब तो पहले है ना जब जाया करी मने कदे न्यू अनुभव नहीं होया कि भाई इनके अंदर भी एक परमात्मा है। लेकिन फिर मने ध्यान करे ना मन की तरफ देखती लखांदी सब ने ना न्यू फीलिंग आ गई सबके सब ना परमात्मा है सबके अंदर ईश्वर है और है ना इन सब केंद्र ईश्वर बैठा है नहीं वो खोजना है जब उसका ढंग क्यों नहीं हो आज कोई भी ढंग हो उसका तो मैडम लगी उन तय मैं भी वह मिठी गोली देन मखात आई नू क्रिया करो हमने अपने भीतर खोज करनी है भगवान की। भगवान की बैठा है हमारे भीतर बैठा है मखा क्यों कटोगे अग बेटी तू बता दे क्यों कटोगे माता आई सुन लो तो फिर क्यों कटोगे हमने है ना मखा अपने सांस तो जुड़ो। बोली बेटी सांस तो कुकड़ जुड़ा सांस तो आप सारी आने नहीं लेवा हम माता आई हम सारी आने ठीक हो आप सांस सारी आने लेवा हाँ सांस के बिना हम जी नहीं सकते लेकिन सरिता मैडम मैडम का नेटवर्क इश्यू आया सो डिस्कनेक्ट हो गया मैडम का। बस पूजा मैडम ने तो कती मीस बरसा दिया सुनन में कती जो रिम झिम रिम बहुत ही बढ़िया। हां हेलो अनम्यूट कर लो मैडम मेरा है ना डाटा मेरा अनम्यूट है मैडम। अच्छा ओके ओके ठीक है ओ आवाज आ रही है मेरी आ रही है आ रही है आवाज आ रही पूजा पिक्चर आ रही है मैडम पता है वीडियो ऑन करो अब आई मैडम हाँ आ रही है हाँ वीडियो भी ऑन है और म्यूट भी ऑन है ठीक है दोनों ना पता मैडम ना डाटा इतना बेवकूफ है तो ना ना जब काम की बात करनी है ना मन ये धोखा दिया कर राज भी इसका ये खतरा हो रहा है कदे ही मैंने छोड़कर नहीं बात दिया और मेरी बात तो दूर ही राज मैडम आज मैंने अपना डाटा पूरा दिन प्रदीप जी ने बिठा लो साथ मतलब देखो कितना जो इनोसेंसी है कितना अच्छा लगता है ना इनोसेंट और आप एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में बात करते हो तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। आप अनम्यूट मैडम आपने वीडियो ऑफ हाँ ऑफ करके देखो जरा हेलो हाँ ऑफ करो मैं अपनी वीडियो ऑफ करूंगी मैडम हो सकता है मेरा नेट अच्छे से चले ठीक है ठीक आवाज आई मैडम अभी आ रहा है मैडम अच्छी आ रही है मैडम जैसे मैं उनके पास आवाज आ रही है ठीक है यस मैडम आप वीडियो बंद करके सेशन शुरू करो। हाँ जी तो जैसे मैं उनके पास गई लेडीज के पास मनोन तो अपना मैडम पर्चा खोलना शुरू कर दिया वहां का हम अपने सांस तो जुड़ांगे सांस तो हमारा सब कुछ है जिस दिन हमारे शरीर में सांस निकल गया ना उस दिन हम एक मट्टी हाँ और हमने कोई 5 मिनट भी रखता है फिर ना हमने कोई नाम तो नहीं पुकारता है फिर ने कहोगे ऑलरेडी डेड बॉडी खाट पे पड़ी है ना गेरो इसने तला धरती पटको खाट पे के काम इस काम माई इतना हम जीवा इतना तो अच्छे कर्म कर लिया हमारी गेल के चल लगा कुछ नहीं चलता हमारे कर्म गेल चल लेंगे आराम से कर्म करांगे हमने पाछे तो कोई याद कर हाँ फलाने दिकड़े का बहू थी और फलाने दिकड़े की माँ थी अच्छे कर्म करिया करती और मंडी गए मैडम फिर मतलब रोज जाते दो चार पॉइंट उनके कानों मंगा लेंदी फिर अगले दिन मैंने आप पूछ दिए बेटी है इस तक तय दे निकलूंगी माँ ताई बताऊंगी थोड़ी शांति कर लो ये बताऊंगी तो मैडम फिर लैगी कह बेटी है ना सिखा दे चुकर करना है तो मखा मार लो पलोथी और ले लो अपने हाथा माथ और मखाई डाल बैठ जाओ जो फेरिया पे बैठी थी तो फिर बोली बेटी माँ तेरा दादा भी जा लिया फेरे किसकी गेल करवाओगी माँ ताई फेरे को ना करवान दिया था अपनी मजाक की बात हाँ आसा ना गदा दे बीमार हो जाओगे आप हमना हंसना बहुत जरूरी है मखा जी बा आसा है ना मारा एक रसना का रसी सा टपका है वो हमने अमृतों की प्राप्ति हो उस टाइम मैडम छोटी 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 बात बना का है ना वो ना मतलब बता दी हूँ जो को जिस भाषा में उनका समझ मा हुआ है तो मैं लगी हो सकता मैडम है ना मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूं क्योंकि मैं थोड़ी बात मेरी लंबी हो जाओगी कोई बात नहीं तो अच्छा लग रहा है, तुम उस टाइम मैडम
तो मैडम मैं लागी सारी दादी ताईया तो अपना ध्यान करवाण किसे का तो मतलब शुरू में नहीं बोली हाँ बेटी बढ़िया चीज है अरियाड़ा बैठ के 5-10 मिनट रोज करया करांगी। तो मैं 5-10 मिनट करवाया, मैंने शुरू में बताया कि भाई हमने अपनी सांस से जुड़ना है, देखो मुखा विचार भी आवेंगे मन में, भाई हमने विचारा के साथ नहीं अपने जुड़ दौड़ना है, कोशिश करियो कि भाई हम अपने विचारा तो दूर हट के हम अपने सांस से जुड़े रहे। देखो बड़ी औरत थी, बड़ी बुढ़ी लुगाई थी, किसी का समझ में आएगी किसी का ना आएगी, मका किसी ना समझ वाई निकल फिर बताऊंगी, सोच ना करो इतना थारा पेंडन छोड़ दिया थारे सारे ना समझ लेंदी इस चीज ने। तो मैडम किसे का तो ध्यान लग गया किसे का ना लग गया, एक बोली ध्यान लग गया मतलब कुछ हक अच्छे से कुछ नहीं बोली, पूजा हमने तो है ना मतलब हम अपने सांस के ऊपर ध्यान दे है ना, तो हमने तो चक्कर सान लग गया है ऐसा हो जाए जो कुछ शरीर में है ना दर्द सा होना शुरू हो गया। तो मखा कुछ नहीं आंटी जी, शुरू शुरू में नहीं होया करे, महा कुछ पान खातर है ना कुछ खोना पड़ा करे, हो सका थोड़ा अभी सर में दर्द भी उठ लेंगे तो मरा के लग गया, जब हमने परमात्मा मिलन लाए गिर सारी उम्र हो गया मशीन की डाल काम करते 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 कोई नहीं किसी के गुण गांदा, और मखा जुड़ लिया करो थोड़ी बार। फिर बोली ठीक बेटी तड़की भी जुड़ांगे सांझ ने भी जुड़ांगे, जिस भी टाइम मिलागा ना मतलब हम करांगे इस चीज ने। तो मैडम वो है ना बीवी करे है और मैं यार सत्संग में चली जाऊं बीवी सुख सागर सुनान लाए गिरी हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास जो बुक है ना मतलब उनमें जो भी ज्ञान है उन्होंने सुनाया हूँ, वो राजी हो जाऊ सुनकर और बस मैंने वो राजी चाहिए और मैंने क्या करना मैडम। तो फिर जो कर सुबह शाम ध्यान करे हम, तो मैडम एक बतावा है मैंने फिर उनके है ना अनुभव लिए छोटे छोटे से महामन्यु बताया तुमने कुछ अनुभव होया इस चीज से। फिर एक बोली बेटी बताऊ ध्यान तो लगता नहीं, खेत में जीरी खड़ी है और बेटी मेरे तो न्यू मन मावा मैं ध्यान लाऊ, मेरे न्यू मन ट्यूबल चल रहा था कदे तेल खत्म हो जाए इंजन का मतलब मैडम यू है ना जो हमारे पारिवारिक है ना ये लोभ माया काम जो घुसे हुए है ना इससे मत नहीं निकलती सर जेल गए। मैं बोली उस ते मखा आंटी सुन ले ईब तो यार तेरा तेल खत्म हो है और ऊपर लेकर जाओगी ना जब ऊपरला तेरा तेल काटागा फिर देख लिया तो कि जाओगी उसको पड़ गई मैडम काना में हकाए मेरा भी तेल निकड़ागा महा कलू में पीड़ेंगे कति ध्यान ना लगाओगी तो मां मारे दो सुनहरा मौका है यू काम करने का और करो देखो कुकरे भी करो मैं थारी रिक्वेस्ट करू हूँ ना समझ माओ ना आवा ना मैंने बार बार पूछो मैं कति बार बार बताऊंगी आपने जिसा भी मन आवा है। मैं लगी माड़े मुड़े संगीता मैडम की नकल बैठ कर करन संगीता मैडम जो कुछ भी बता दी ना मारे तय भाई सांस पे ध्यान देना है ऐसे करना है ऐसे करना। मैं तो इसकी मैडम की बात ना ना करना मैं जो करो बालक नहीं रटिया कर दे ABCD मैडम उन्होंने भी रट ली और ना तो नकल करके तो सिखाऊंगी मैडम। एक बात बताओ इतना तो ज्ञान मन है नहीं अब भाई मैं इतनी बड़ी मास्टर हूँ अब वही मैं सारी की सारी मेरे भीतर ताऊंगी ना मेरे भीतर भी इतना बड़ा मास्टर मैडम ठीक है छोटा मोटा ध्यान ले ली हूँ पर मैं नहीं सोचू हूँ मेरा ध्यान ना लगता ना कम से कम किसी और का तो बढ़िया लगेगा किसी और का तो जीवन में सुधार होगा। तो मैडम है ना वो सारी की सारी मन खुशी नहीं हो हूँ सारी की सारी है ना ध्यान लगान लगी सारी लगाऊ ध्यान बैठ कर ने और मैडम टाइम ने देखते हुए है ना। अरे एक और बात बताऊंगी मैडम आपने जैसे मेरे घर पे भी मतलब कोई भी ईव है ना बरोध के इलेक्शन का मतलब रिश्तेदारी भी आ जाए कोई हो घर पे वोट मांगने और घर कुंबे की भी आ जाए है फलाने की वोट दी अर्धी कड़े की वोट दी है चल मुखा ठीक है देनी है हमना जिसकी देनी है अदर हम सब का रखेंगे हाँ दे देंगे जिसकी भी कोगे उससे की दे देंगे हमने मतलब अनादर किसी का नहीं करना। तो मैडम आवेंगे वो अपना काम करन और उनके बीच में ना मैं अपना काम और काट दी थोड़ा हम क्योंकि जो ध्यान की वाइब्रेशन है ना मैंने सबके पास छोड़नी है चाहे मनो करे भी छोड़नी आओ। एक आगे पाछे आंटी आ रही थी दूसरे परिवार में तो बोली बेटी वोट बीजेपी की दिए मखा आंटी खुल कर देवांगे कति बीजेपी की गिला जिस तो आपको होगी ना उस पकूंगी पर मखा एक छोटा हक है मेरा भी मान जा बोली के मनुमाओगी वह थी आध्यात्मिक लुगाई भजन सत्संग कीर्तन खूब कराए हम वह बोली बेटी बता दे मखा आंटी कुछ गलत तो बता दी नी और देखो न्यूर नहीं होना मखा हमारी संगीता मैडम है इतना बढ़िया ध्यान का प्रचार करने मांग रही है और हम तो इबे इतने ज्ञानी तो हाँ नी पर मखा थोड़ा सा ज्ञान जो मेरे मेरे पल्ला है नहीं मैं आपने उसके बारे में थोड़ा हाँ बताना चाहूं पूछ लो। फिर बोली 4 बजे उठ को सिमरन करना है
मखासी करिया करे नी बोली और 4 बजे उठ के तड़की 3:30 बजे नहा लियो 4 बजे सिमरन बैठ जियु और 6 बजे तू मगा तू तो कती जीती जाती तो तू पड़ी नहीं है मखा तेर तो दो बस थोड़ी सी न्यू दिशा दिखानी है तने किस दिशा में जाना है मने मैडम और 2-4 पंप मारे मैडम मने वा कती चढ़ाए दी बातें मका आंटी तू तो गणी ज्ञानी है तू गणी ज्ञानी है तो वह बोली बेटी ज्ञान तो मने तेरे में भी लगा है तू वाड़े सब नवो सिखावा है ध्यान अपना मैं बोली मखा आंटी मेरे में इतना ध्यान तो है नहीं ठीक है मैं किताबा ना पढ़ के आप कहानी सुनाई दी तुमने जो कुछ उसमें ना रहा ना समझ माओ तो उसका मीनिंग बता दी हूँ तो बोली ठीक से बेटी फिर बोली क्यूकर ध्यान लगाना है मैडम मैंने उससे तब बताया फिर मखाई और न्यू करके हमने अपनी सांसा तो जुड़ना है जो हमारे अंदर परम तत्व बैठा है ना उसका उसको प्राप्त करना है उसके बारे में जानना है जो हमारे भीतर ज्योतिर्बिंदु फिर बोली तू हम शांति तो जुड़ रही है मखा ना मैं किसी तरह नहीं जुड़ रही हूँ शांति तो जुड़ रही मैं किसी से जुड़ रही शांति तो हमारे भीतर है बस बात है मखा उसने थोड़ी सी जगाने की थोड़ी ही टटोल का देखो शांति किसी पाओगी मुख अपने भीतर बैठी हुआ शांति मैडम उसका है ना पल्ले पड़ गई एक और उसकी पड़ोसन आ रही थी वह बोली आए मैं भी कर ली हूँ माँ कर ले क्यों नहीं ईसा ऐसा मक्का भी छोड़ दिया करे फिर बोली या कौन है था हमने सिखाया करे मकाया हमारी मैडम है संगीता मैडम अरुण की बहू है यहाँ बोले ओके ओ जो थारा रिश्तेदार है मखा हाँ वो है मखा बहुत अच्छी लेडीज है मखा एक दिन बुलाऊंगी एड मैडम ने और सब तक मिलाऊंगी और इतनी अच्छी लेडीज है मखा उसके पास है ना आइयो ज्ञान प्राप्त करके देखियो और मैं है ना मैडम घना डांगर डोर रखा है मतलब सारे दिन है ना वह लेडीज काम में बिजी रह जो मेरी दोहरा रही थी मखा मर जाएगी मेरे संगी बहू कोई नहीं तेरे गुण गांधा पाछे तो है और मखा ई विज्ञान प्राप्त कर ले तो ना आगे भी भगवान सुधार करेंगे आगे भी तेरी अच्छी जंगात पकड़ेंगे और ना तो आगे अगले जन्म में फिर मेरे शंका आओगी तो 5 डंगर आगे फिर 10 आओगी वहां तो डर गई मैडम ने बोलिया इन बनेगी बेकअप वाली मन तो अपनी जिंदगी पूरी करनी मुश्किल हो रही है तो मैडम वाने बोलिए वे मैं है ना करिया करूंगी मखा बेबे कर लिए कुछ ना समझ मान मखा मैं रही इतनी छोटी वहां है मुन्ने पूछ लिए मैं सारी बात बता दूंगी जो कुछ मखा ना होगा अपने तो पर एक मैडम और बैठी उस तो पूछ लेंगे फिर बोली अगर छे ठीक से इसी बात है ठीक है बेबे मैं भी करूंगी ध्यान मैडम वो भी ध्यान करने लगी है ना मन बड़ा मजा आवा जो भी है ना सब ने मैं ध्यान के बारे में बताऊं और मन ने सब तो बड़ी खुशी इस चीज की है कि मतलब कोई भी आओ ना मैं सब तो ध्यान सिखाने की मेरी कोशिश है और मैडम चलो मैंने टाइम ज्यादा ले लिया बात बात मैं इबावा अपने टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक है मेरा योग साधना तुलसी दल की जो बुक है उसमें योग साधना के कुछ पेजेस दिए गए हैं मेरे उसके बारे में बताऊंगी मैं आप सब ने मैडम अगर कुछ किते गलती हो जावे कुछ आड़ पचोड़ी लिखड़ भी सका है मैडम जुकर में बाप बात करूंगी तो आप संभाल भी लियो सुनी थी बड़ी ज्ञानी ध्यानी भी नहीं हो मैडम तो जैसे योग साधना के बारे में कहा है दंपद में ऐसा कहा गया है संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा गया उसमें योग दवे जायते भूरी अयोग भूरी संशय तथा ते मानम निवेश यथा भूरी प्रवर्तती तो इसका मतलब है योगानुष्ठान यानी कि ध्यान ध्यान से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जा कर और हमें अपने ज्ञान की वृद्धि के मार्ग में चलना चाहिए और जब हम ध्यान नहीं करेंगे ना ध्यान नहीं करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति तो की तो होगी जो ज्ञान है ना उसने भी खो बैठेंगे हमें इव जो करनी हुए ना लियो एक सीधी सी सिंपल सी बात अब बताऊंगा अपने संगीता मैडम है ना हमने ध्यान सिखा हुआ है और हम उनका ज्ञान प्राप्त भी करे हैं यो ज्ञान है ना हमारा रोज रोज बढ़ता ही जावे है क्योंकि अलग अलग स्पीकर आओ हमने बताने अब अपनी अपनी भाषा में सब बताया के जाओ है अपने ज्ञान में है ना सब बांटे है तो उस तुम्हारा के वो है हमारा ज्ञान है ना रोज की रोज बढ़ने लग रहा है और कुछ एक वर्ड तो है ना रोज कैसे ऐसे निकल का आए हैं मतलब हम उस जो शब्द हनु नाम भूल ले नहीं सकते वो नहीं सोच लो हमारे भीतरले डिब्बे में फिट हो गए मुँह नहीं लिखड़ा करते तो ये मैडम अपने हमें अपने ज्ञान को के ज्ञान को ज्ञान वृद्धि के मार्ग को चलाना चाहिए अपने आप को आगे बताई गई मैडम इसमें योग साधना में स्थिति योग साधना की कौन कौन सी स्थितियां हैं सबसे पहले वो है पहले चित्त वृद्धि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चित्त की वृद्धि क्यों है जो हमारा चित्त है चित्त का मतलब वो है अंतःकरण और योग का मीनिंग होता समाधि और अंतःकरण के फिर 4 पार्ट बताए गए हैं बुद्धि अहंकार मन और चित्त और चित्त है ना अंतःकरण की चौथी स्टेज हो या कर्म वृत्ति हो व्यापार यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना और निरोधो हो रोकना और आखिर में मैडम इसकी यह बात है देखो जड़े तक मैं समझू हूँ कि चित्त की जो वृत्तियां जो व्यापार हो रही है हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है जब हम इसने रोक लेंगे वही एक प्रकार का योग का आचरण और इस तरह हमारी कुंडली का जागरण हुआ है
और इसके जब कुंडली का जागरण हो जाएगा, जो कुंडली हमारे मूलाधार चक्र में बैठी है और उसके जब हमारी कुंडली का जागरण होगा तो अंत में वो दिव्य चक्षु की तेजना और परिप्योगता यानी कि जो हमारी तीसरी आंख है ना वो खुलनी शुरू हो जाती है वहां से। और आगे बताया गया है कि अष्टांग योग के बारे में बताया है, अष्टांग योग के रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं और इसमें उन्होंने आठ अंगों का वर्णन किया गया है। आठ अंगों से युक्त साधना को ही अष्टांग योग कहा गया है। इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हैं इसके आठ अंग। यम नियम सिद्ध स्थिति की हमने सूचना दे हुए हैं। साधक जब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के साधन कर्म द्वारा कर्मशः समाधान पाकर संपूर्ण समाधि चित्त अर्थात समाधि स्थिति को उपलब्ध करता है, तब उसके लिए यम और नियम बहुत ही आसान हो जाते हैं। जो इसके जो पहले दो भाग बताए गए हैं यम और नियम, और जो है यम नियम भौतिक जीवन के सिद्ध उद्योग की हमें सूचना देते रहे हैं, क्योंकि यम नियम ना है ना हम अपने भौतिक जीवन में जीते रहे हैं। भौतिक जीवन में सिद्ध उद्योग की उपलब्धि के लिए ही यम नियमों का कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हो, और चित्त वृत्ति से रहित होने के बाद ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त होती है। उसके लिए सर्वप्रथम आसन सिद्धि करने की साधना करनी चाहिए। आसन की सिद्धि क्यों करोगी, देखो हम जब डिग्री करी मैंने योगा का तो है ना हम आसन लगा करते, आसन लगाते हम है ना अपने सांस लेते रहते छोड़ते रहते, मान लो मैंने कोई कोई एक आसन करा और उस आसन में जब मैं ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहूं अपने श्वास को लेकर, श्वास को लेना छोड़ना उस जब हम लंबे समय तक उसमें टिका है ना वो हमारे आसन की सिद्धि कही जाओ है कि वो आसन आपका है ना सिद्ध हो गया, मतलब आप इसमें है ना लंबे समय तक आप रह सको इसमें। और उसके बाद जैसे उच्छास निश्वास का गमन करना ये प्राणायाम बताया गया है, और इसमें बहिर इंद्रिय कर्मशः अंतर्मुखी बनती है और ये इसमें प्रत्याहार है। चित्त विचार रहित होकर अंतर इंद्रिय उत्तेजित होने के बाद अंतर्मुखी होकर घोतक दृश्यों का दर्मन करना ही धारणा है। मतलब जब हमें चित्त विचार जो हमारे विचार है उन रोक कर किसी भी एक बिंदु पर धारणा में किसी भी चीज पे अपने मन को टिकाव है वही एक प्रकार की धारणा है। कर्मशः धारणा करने से सूक्ष्म शरीर का विमोचन होता है। जो हमने मैडम रोज बताओ जब ध्यान करे कि हमारा है ना एक सूक्ष्म शरीर है और हम ध्यान करेंगे ना तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ने छोड़ने लग जाएगा। हम यार वो सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया गया है, जब हमारा ये सूक्ष्म शरीर इसने छोड़ने लग जाएगा ना समझ लियो हमारा ध्यान लगने लग गया। तो यही ध्यान है, ध्यान के माध्यम से है ना सभी समाधान उपलब्ध हुए हैं, और जब सभी समाधान उपलब्ध होने लग जाए तो हमें समाधि की स्थिति में चले जाओ हम। तो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रवचित अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। आगे बताए गए हैं अष्टांग योग के यम और नियम। मौलिक जीवन सूत्रों में काबू रहना ही यम कहा गया है। पतंजलि ने पांच यम का प्रवचन किया है जो है सत्य। सत्य यानी कि जीवन में है ना हमने हमेशा सच बोलना है। जो कर मान लो एक उदाहरण दूं आपने, राजा हरिश्चंद्र थे, राजा हरिश्चंद्र जी इतने सत्यवादी थे कि उसने उन्होंने है ना अपने परिवार को भी छोड़ दिया था लेकिन सत्यता को नहीं छोड़ दिया था। आज भी उनका नाम है ना इतिहास में राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जा रहा है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा यानी कि हिंसात्मक चर्या को पूर्ण रूप से विसर्जित करना, यानी कि हमने है ना किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देना, किसी के ऊपर आवाज आ रही है मैडम मेरी? आ रही है पूजा मैम, आ रही है। तो तीसरे नंबर पर हमने ब्रह्मचर्य है, हमेशा मध्य मार्ग का ही हमें अनुसरण करना चाहिए ब्रह्मचर्य में। अस्ते दूसरों की संपत्ति पर मस्तर नहीं करना, यानी कि दूसरों की संपत्ति पर अपना अपनी नजर नहीं गड़ानी कि हमने या दूसरे की संपत्ति है कि दूसरे के देने पर भी ऐसी चीजों को न लेना जो हमें चाहिए। हमारे कितना बढ़िया उदाहरण दिया
मारी लुगाई है क्या तो है फलानी जंगा तो सूट लियाई दिगड़ी जंगा तो सूट लियाई आगे संदूख में हम क्यों जोड़ांगे इतनी चीजें हमने इतनी ये चीज रखनी है। मेरा परसों की बात मैडम बड़ी बढ़िया लगी मना आपकी ना तो हम भी क्या क्या करते घर आ जाते माँ दो सूट दे दें पांच सिम दे पांच संदूख में पैक कर दें तो मन उस दिन पाछा बात आपकी बड़ी बढ़िया लगी मैडम क्यों हम फालतू की चीजा ना मना अपने पास रखनी है हमने इतनी चीज रखनी है जितनी की हमने जरूरत है ना तो सारी दे दियो दान में। तो अगले नंबर पर है मैडम नियम नियम अर्थात वे कार्यकलाप जो हमें अवश्य करनी चाहिए वो ऐसे नियम हैं जैसे सोच शरीर व पर्यावरण को सूचित करना हमने अपना शरीर और पर्यावरण दोनों की साफ सफाई रखनी है। दूसरे नंबर पर संतोष मन को हमेशा प्रफुल्लित करना यानी कि मान लो मैं देखो छोटा सा उदाहरण दू आपने मैडम जो मैडम संगीता मैडम है जो पबिलागिरी है और भाई बढ़िया सब क्या है कि मोज हिंदू है और मैंने सोचू देखो मैं तो बेरोजगार हूँ और मेरी नजर जावा मैडम के और मैंने सोचू मैडम थोड़ा हम उन्हें भी दे दो आप इसमें नहीं शायद पूजा मैडम का डाटा धोखा दे गया है। हेलो आज धोखा नहीं मैडम माफ करना था ना मेरा नेट पता नहीं क्यों वीक हो गया है और आज तड़के क्या गेम में नंबर त्या भी नहीं यूनियन में बचा करा कर गया तो मसान ना काम आओगा और फिर भी आज मेरे के गड़बड़ कर रहा मैडम तो मैं कह रही थी भाई हमने ना जो मिला है ना उसमें संतोष करना है। तीसरे नंबर पर स्वाध्याय यानी कि अच्छी अच्छी जो धार्मिक पुस्तकें हैं ग्रंथ है हमने उनका अध्ययन करना है जैसे कि हमें कह दिया है ना मंडे पड़े स्वाध्याय करने सब ना है ना अपने अलग अलग टॉपिक मिल रहे हैं सब उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम सब अपने ज्ञान ने है ना अर्जित करने लग रहे हैं ये होता है हमारा स्वाध्याय। तो चौथे नंबर पे मैडम तप निद्राहार आदि कम करके ध्यान अधिक करना। देखो संगीता मैडम बार बार कम को है भाई ध्यान लगाना अच्छा लगाना है ना तो अपने भूख पर थोड़ा कंट्रोल करो अलका काना खाना खाओ ये होता है निद्राहार यानी कि भूख और नींद कम करके अपना ज्यादा पूजा मैडम का डाटा नहीं काम कर रहा है शायद। हेलो मैडम कह रहा हूँ मंत्र कंधे थोड़े थोड़े कंधे रहा हाँ आप कंधे रहा करो बस जब भी आ जा मैडम नंबर है हमारा ईश्वर प्रधान जी। तो पांचवे नंबर पर हमारे में ईश्वर परिधान यानी कि सब कुछ ईश्वर में है इस भाव दशा में हमें रहना है ये मत सोचते बैठो कि हम धरती पा गए तो सब क्या गए स्वामी हो गए नहीं मारा शरीर है ना जो मेरा शरीर है ये शरीर भी मारा नहीं है एक ने एक दिन ये भी हमने छोड़ कर जाना है तो कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है ना हम यहीं पर छोड़ कर जाऊंगे को हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे शरीर भी अपना नहीं है तो क्यों दुखी मोह माया में पड़ना हमने इतने बड़े बड़े राजा लोग बोलिए अब आप देखो ना प्रधानमंत्री मोदी बने बैठा है आगे पाछे कुछ नहीं है फिर भी छोड़ के जाओगे खाली कुछ नहीं जानता गिल किसी के तो इसलिए कहा गया है ईश्वर परिधान यानी कि सब कुछ ईश्वर में ही है इसलिए नियम हस्तक करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है इसलिए हे ये तो फिर चला गया हाँ जी जय अगर मैं पूजा मैडम की किसी चीज के साथ तुलना करूं तो आज मैंने वो राजधानी एक्सप्रेस जिसी लागी नुबेरा पूरी लग्जरी है सबके में आनंद और जिसने बैठना तो बाज का पकड़नी पड़ेगी तो इतना ज्ञान दे रही है इतनी गहन बातें इतना गूढ़ ज्ञान दे रही है लेकिन इतनी फटाफट वो हमने पकड़नी हवा राजधानी तो पूजा मैडम तो एक्सप्रेस की तरह
फटाफट इतनी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 9:20 सॉरी 7:20 हो गए, मेरा टाइम था 7:15 तक का। तो आवाज आ रही है ना मैडम मेरी? हाँ आवाज आ रही है, जितना आपसे बताया जाए उतना बता दो, कोई फिर सुन लेंगे, आराम से बताओ कोई। ठीक है ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। इब राजधानी है ना एक्सप्रेस धीरे धीरे चलेगी मैडम, लोकल ट्रेन में। तो जैसे बुद्ध ने है ना दंपत में कहा ना मैडम ई भी इसकी है ना, ई भी सुपरफास्ट है, स्लो मोशन पे आ गई है मैडम। संगीता मैडम ने ऑर्डर दे दिया है तो ऐसे ही चलेगी छुक छुक करके। तो मैडम जैसे है ना, तो बुद्ध ने दंपत में कहा है कि चितसम तथो साधु चितम तदम सुखम गम, ये पाली भाषा में है। और चित निग्रह के लिए परम योग्य है, निग्रह किया गया चित सुखप्रद होता है। और आगे हेयर ब्रेक लग गया बेबी, चेक कर लेते हैं एक बार ना पूजा मैडम से। पूजा मैम एक बार आप चेक कर लो आराम से ना। ऐसे करते हैं भार्गव, पूजा मैडम से एक बार बात कर लो, कंटिन्यू करूंगी। ठीक है मैडम, है ना, तुम उनसे कह दो कि जो बच गया पार्ट। हाँ पूजा मैम, हाँ जी मैम, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम मैडम बस है ना थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है काद बार, बाकी तो मैं कर तो देती, बस यही समस्या छिड़ गई मैडम के लिए। मुझे लग रहा है कि अभी हम स्टॉप कर दें क्योंकि बार बार बहुत डिसकंटिन्यूटी हो गई है जी। कोई नहीं, आपका जो पार्ट बचा है ना उसको हम कल कर देंगे कवर, कोई ऐसी बात नहीं है मैम। जितना हमने सुना है अष्टांग आपने पूरा बता दिया हमें जी, तो अष्टांग की बात पूरी हो गई है। आपका अभी भी वीक है नेटवर्क, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं। सरिता मैम नेक्स्ट जो स्पीकर हैं अंजू हैं, अंजू को बुला लेते हैं, है ना सरिता मैम, इनवाइट कर लीजिए आप। ठीक है मैम। देखो पूजा मैडम ना तो कति ज्ञान की बरसात सी करती, आते इन्नू जमा जमोन लागी थी और फिर तो भीजते चले गए, और बहुत मजा आया। और ये नहीं था कि खाली मजाक मजाक था, सारी ज्ञान की बात थी, सारी सार्थक बात थी, सब में एक एक बात ज्ञान तक भरी पड़ी थी। ये पूजा मैडम को तो कल फिर बुलाएंगे, फिर उनसे बातचीत जारी रखेंगे। और ईव जो है हमारे साथ अगली स्पीकर है वो है अंजू कंबोज जी। अगर अंजू कंबोज जी की बात करूं, वो सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी में एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, और उनका प्रोग्राम इतना, जो अपनी जिंदगी का प्रोग्रामिंग है वह भी इतनी बढ़िया है। वह 5 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं और फिर 9 महीने की उसकी बच्ची है, उसने भी पूरा ध्यान तय पूरे प्यार तय लालन पालन कर रही है, और उतना करने के बाद भी ध्यान लगा हुआ है। अंजू कंबोज जी उन सब के खातरे को उदाहरण है, जो नुका दे हम तक काम का जी है हमारे दौरे टाइम को ना, और नुका दे हमारे तो छोटे बालक हैं। और देखो इतना बढ़िया उदाहरण है आज आपके सामने, अपने घर ने भी संभाल रही है, अपने कार्यस्थल पर भी बढ़िया काम कर रही है, और अपने बालक ने भी पूरा प्यार दे रही है। और आज हमारे साथ जो अपनी प्रोग्रामिंग है उसका एक विषय लेकर आई है कि जो हमारी ये आंगली है 5 हमारे हाथ में, इनकी के प्रोग्रामिंग है, ये के काम कर रहे हैं, इनका के कॉन्सेप्ट है, वो सारा आज 5 फिंगर कॉन्सेप्ट अंजू कंबोज जी हमने बतावेंगी। अंजू कंबोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपने सुनने खातर आतुर हैं, जल्दी से स्क्रीन पर आ जाओ। जी मैम, जी सरिता मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। आज के हमारे सेशन में आप सभी का स्वागत है, हमारे इतने अच्छे मास्टर्स जुड़े हुए हैं, रोज सभी इतना अच्छा बताते हैं, तो देखो मैं आज कैसा बता पाती हूँ, अगर कोई गलती हो तो ठीक है माफ करना। ठीक है, पहली बारी आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, तो मेरा मैं बताती हूँ कि मैं शुरू से ही बचपन से ही आध्यात्मिक फैमिली से जुड़ी हूँ। मेरे पापा मम्मी मेडिटेशन करते हैं,
तो संस्कार है जन्म से ही, तो उनकी वजह से ही मैं आध्यात्मिक बनी। और एक साल पहले मेरे को संगीता मैम से मिलने का मौका मिला, तो इनका तो फिर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मैम तो बस बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं, इनके बारे में तो बस वही समझ सकता है जो खुद देख ध्यानी बंदा है, नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, कि हमारे हाथ की जो ये 5 उंगलियां हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली उंगली, ये क्या है, किसको डिफाइन करती है, ये हमारी हमारे बॉडी को डिफाइन करती है, मतलब हमारा शरीर। हमारा शरीर हमने किससे पाया, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से। मैंने अपना शरीर अपने माता पिता से पाया, आपने अपना शरीर अपने माता पिता से पाया। तो ये हमारा किसे डिफाइन करेगा, हमारे शरीर को, हमारे तन को। तो दूसरी फिंगर जो है ये वाली फिंगर हमारी, सेकंड फिंगर, ये किसको डिफाइन करती है, हमारे मन को। हमारा मन हमने किससे पाया, अपने माता पिता से, नहीं, हमारा मन हमने अपने माता पिता से हमने नहीं पाया। हमारा मन कहाँ से डेवलप होता है, कहाँ से बनता है हमारा मन, हमारा मन हमारे सोसाइटी से, हमारे समाज से, हमारी सराउंडिंग कैसी है, हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जैसा हमारा समाज वैसा हमारा मन। अब जैसे हम अगर हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारा मन कैसा होएगा, हिंदू। अगर हम मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारा मन कैसा होएगा, मुस्लिम। अगर क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेते हैं तो हमारा मन क्रिश्चियन। ऐसे ही अगर हम अमीर परिवार में जन्म लेते हैं तो हमारा रिच मन होएगा, अगर गरीब परिवार में लेते हैं तो हमारी सोच और वैसे हमारा मन बन जाएगा। अगर हम देखें कि हम 1-2 महीने के बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को, जो कि हिंदू परिवार का बच्चा है, उसको विदेश में किसी को गोद दे देते हैं, वो क्रिश्चियन फैमिली में चला गया, तो उस बच्चे का मन कैसा होएगा, उस बच्चे का मन क्रिश्चियन होएगा, क्योंकि उसकी सराउंडिंग, उसका समाज कैसा है, क्रिश्चियन है, उसको कैसे संस्कार मिल रहे हैं, क्रिश्चियन संस्कार मिल रहे हैं, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। ऐसे ही हम देखें कि एक बच्चे को हमने जंगल में छोड़ दिया, 2 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, तो वो बच्चे का मन कैसा बनेगा, उस बच्चे का मन क्या बनेगा, एनिमल मन बनेगा, ह्यूमन मन नहीं बनेगा उसका। तो ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे समाज पे। तो हमारी सेकंड फिंगर किसको डिफाइन कर रही है, सेकंड फिंगर हमारी ये वाली फिंगर मन को डिफाइन कर रही है कि हमारा मन कैसा होएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड फिंगर की, ये वाली फिंगर। ये हमारी फिंगर किसको डिफाइन करती है, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी बुद्धि को। हमारी बुद्धि हमने किससे पाई, अपने पेरेंट्स से, नहीं, अपने समाज से, नहीं। किससे पाई हमने बुद्धि, कोई हमें पूछे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो तो हमें एक बार डाउट होएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता नहीं हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कैसे बता पाएंगे हम कितने इंटेलिजेंट हैं। हम इंटेलिजेंस ही हमारी कहाँ से पता चलेगी, एक्सपीरियंस से, कि जिस फील्ड में हम हैं, जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड का हमें कितना एक्सपीरियंस है। अब जैसे संगीता मैम की बात करते हैं, तो मैम अपने आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं, तो वो क्या है, अपने इस पथ पे, अपने इस रास्ते पे मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। ये बात हम कह सकते हैं कि जिस चीज का हमें एक्सपीरियंस है उस चीज में हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस ही कहाँ से काउंट होएगी, हमारी एक्सपीरियंस से। और पत्री सर ये कहते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, पर एक्सपीरियंस क्या, 90% हमारे पास्ट कर्मास, कि हमारे पिछले कर्म क्या हैं, उसका 90%, और 10% हमारे प्रेजेंट कर्मास, 10% हमारे प्रेजेंट के क्या कर्म है उस पे डिपेंड करता है। अब जैसे संगीता मैम की बात करते हैं, तो हम कहें कि मैडम अपने मेडिटेशन रास्ते पे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, कैसे हैं भाई, उन्होंने पिछले बहुत जन्मों में मेडिटेशन करी है,
बहुत जन्मों का उन्हें एक्सपीरियंस है तभी वो इतने इंटेलिजेंट हैं इस फील्ड में। तो उनके क्या है 90% हमारे सबके 90% पिछले कर्म और 10% इस जन्म के कर्म। तो क्या पता चली हमें इससे इंटेलिजेंसी कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंसी कहाँ से पता चली हमें? इंटेलिजेंसी हमें पता चली एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब हम कुछ काम करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, उस फील्ड में अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे तभी तो हम इंटेलिजेंट होंगे। अब जैसे अपनी सिंपल काम में बात करते हैं, अपा फैमिली में मम्मी लोग हमारे खाना बनाते हैं, पापा लोगों को नहीं आता, लेडीज बनाते हैं, जेंट्स को ये काम नहीं आते, तो क्या है वो उस अपने काम में एक्सपर्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं उस काम में, क्योंकि उन्होंने उस चीज का एक्सपीरियंस किया है, वो डेली उस काम को करती हैं, तो इसलिए वो उस काम में क्या हुए, इंटेलिजेंट हुए। तो इसके बाद हम बात करेंगे इस फिंगर की। ये फिंगर हमारी किसको डिफाइन करेगी? आत्मा को, सोल को। आत्मा क्या है? हम शरीर बदलते हैं, आत्मा हमारी वही चली आ रही है सदियों से, तब तक चलेगी जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस फिंगर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एज ए आत्मा। आत्मा हमारी चली आ रही है, चली आ रही है, हम शरीर बदल रहे हैं। शरीर कैसे? जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारे शरीर बदलते जा रहे हैं। आत्मा हमारी अजर अमर है, रहेगी जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। तो ये फिंगर किसे डिफाइन कर रही है? आत्मा को। और ये वाली फिंगर परमात्मा, मतलब परम आत्मा। ये फिंगर आत्मा और ये परमात्मा। ये फिंगर सबसे अलग है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये सबसे अलग है, मतलब इन सब का मालिक कौन? परमात्मा। इन सब को देने वाला कौन? परमात्मा। इनकी जननी कौन? परमात्मा। तो हमें इन सब का मिलन, इस सोल का मिलन परमात्मा से करना है, इसका मिलन परमात्मा से करना है। वो कैसे होगा? हम रोज सत्संग सुनते हैं मैम का, हम सब आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सब अपना अपना स्वाध्याय का सब कुछ बता रहे हैं, वो किस लिए? डेली हमारा सुबह सेशन होता है, किस लिए? मेडिटेशन के लिए। ये सोल का इस फिंगर से मिलन कैसे होएगा? आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होएगा? मेडिटेशन से। मेडिटेशन कैसे होएगी? अगर हम कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी मेडिटेशन कर पाएंगे। और एक बात हम देखें, अगर हमारा ये वाली फिंगर कुछ भी एफर्ट्स नहीं करती तो क्या हम इसको इससे मीट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। कैसे? खुद ही करके देख लो सब। इस फिंगर को इससे, इसके एफर्ट्स के बिना, इसकी कोशिश के बिना, इस फिंगर को हम इससे जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जोड़ सकते। कोशिश करके देख लो, चाहे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हम एक कदम चल के जाते हैं तो परमात्मा हमारी तरफ 10 कदम चल के आएंगे। हम एक कदम चलेंगे, हम थोड़ी सी एफर्ट्स करेंगे तो ये उंगली अपने आप इधर को आने लगेगी, थोड़ा सा हम एफर्ट्स ऐसे करेंगे तो ये अपने आप इधर आने लगेगी। मतलब हमारा एक कदम और परमात्मा के 10 कदम। मतलब हमें ध्यान में बैठना है, हमें अपने एफर्ट्स करने हैं, तभी परमात्मा हमारी हेल्प कर पाएंगे, तभी हमारी। शायद अंजू जी के साथ भी नेटवर्क प्रॉब्लम आई है। हाँ जी, हाँ मैडम, मैडम का नेटवर्क प्रॉब्लम आया मैडम। हाँ जी, अंजू जी के साथ भी नेटवर्क थोड़ा, मैम। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है मैम, आप कंटिन्यू करो। तो अगर हम देखें कि हमारी इस फिंगर को शरीर ले, जैसे इस फिंगर को हम माने क्या, कुंभकर्ण, क्या माने, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का क्या काम था, हमें सबको पता ही है, खाना पीना सोना, यही काम था। ऐसे ही हमारा शरीर है, खाया पिया सो लिया, है ना। ऐसे ही जब तक हम डंडा लेके अपने शरीर पे खड़े नहीं होते कि उठना है सुबह उठना है, मेडिटेशन करनी है करनी है, ये काम अपना करना है तो करना है, तब तक हमारा शरीर मानता नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, कुंभकर्ण। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, शरीर को एज ए कुंभकर्ण। फिर उसके बाद रावण, रावण का क्या काम था, दूसरों की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। ऐसे ही उन्होंने सीता जी पे हक जमाया, राम जी की सीता मेरी सीता। तो क्या हुआ कि मन हमारा इतना चंचल है, जो भी चीज देखता है वो सोचता है बस मेरी हो जाए। ऐसे करते हैं हम भी यही सोचते, एक चीज है चलो वो दूसरी देखी ये भी मेरी हो जाए, तीसरी देखी ये भी मेरी हो जाए। तो ये हमारा किसे डिफाइन करेगा, रावण को, मतलब हमारे मन को। उसके बाद हम बात करें इस फिंगर की, ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, माने तो विभीषण। विभीषण जी ने क्या करा, देखा कि मेरा भाई गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उन्होंने क्या करा, उनका साथ छोड़ दिया। छोड़ दिया साथ उनका, किस लिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, उनके पास्ट कर्म भी काउंट हुए, तो इसलिए उन्होंने रावण जी को छोड़ दिया और श्री राम जी की शरण ले ली। तो वो क्या हुए, इंटेलिजेंट। इस फिंगर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज ए विभीषण। विभीषण क्या हुए, इंटेलिजेंट हुए, तभी उन्होंने रावण को छोड़ा और बाद में उनको सब कुछ मिला जो वो चाहते थे। ऐसे ही अगर हम प्रहलाद की बात करें, तो उनको पता था कि मेरा बाप गलत रास्ते पे चल रहा है, तो उन्होंने इंटेलिजेंसी दिखाई और उनकी बात नहीं मानते थे, वो उनकी बात नहीं सुनते थे। उसके बाद हम बात करें तो इस फिंगर की, ये फिंगर किसे डिफाइन करेगी, हनुमान जी को, पवन, और ये किसको, वायु को भी डिफाइन करती है, पवन पुत्र हनुमान। तो ये किसको डिफाइन कर रही है, हमारी सोल को, हमारी आत्मा को, हनुमान जी को। और उसके बाद ये वाली फिंगर, थंब हमारा, ये किसे डिफाइन कर रहा है, ये श्री राम जी को। ऑल दैट इज मतलब सर्वव्यापक, जो हर जगह विद्यमान है, ओमनी डायरेक्शनल, हर जगह में है, हर दिशा में है। तो ये हमारी पांचों उंगलियों का क्या सिद्धांत है, हमारा क्या काम है, ये हमने समझा। और वैसे देखे हम तो ये हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व, ये हमारा आपो तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व, आपो तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये क्या है हमारा, आकाश तत्व। परमात्मा हमारे हर जगह विद्यमान है, मतलब आकाश में हर जगह विद्यमान है। तो अभी सब देखेंगे, ये हमारा मन, ये हमारा तन, शरीर, बॉडी, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, ये हमारी आत्मा और ये परमात्मा। अब जैसे हम किसी को बुलाते हैं, सरिता मैम को ही बुलाऊं मैं, ऐसे कहूंगी ए सरिता मैम इधर आओ, नहीं कहूंगी ना, फिर ऐसे कहूंगी ए सरिता मैम इधर आओ, नहीं कहूंगी ना, ऐसे कहूंगी मैम इधर आओ प्लीज। तो क्या हुआ कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो क्या है, आत्मा है, उनमें कोई परम तत्व बैठा है, वो आत्मा है, इसलिए ऐसे बुलाते हम। ये हमारी किसको डिफाइन करती है, शक्ति को, मतलब उनमें कुछ है, कोई शक्ति है उनमें, तभी हम ऐसे बुलाते किसी को मैम इधर आओ प्लीज। तो क्या हुई हमारी ये शक्ति और ये मुक्ति, ये हमारा क्या है, मुक्ति। हमें इस फिंगर को, इस पूरी फिंगर्स को इससे मीट करना है, मतलब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना,
बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमें क्या मिलेगी, मुक्ति। तभी हम सब बंदरों से छूट पाएंगे, तभी हम इसको मीट कर पाएंगे। मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है, मेडिटेशन। हमें क्या करनी है, मेडिटेशन, तभी हम इन सब चीजों, तभी हम इनसे मिल पाएंगे। तो हेलो मैम, आवाज आ रही है? मैडम आ रहा है, मैडम आपका आवाज आ रहा है मैडम, कंटिन्यू मैडम। जी सर। तो हमारा क्या है ये, अगर हम अपने जो आध्यात्मिक वे में देखें तो क्या तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक और निर्गुण तत्व। क्या है ये, निर्गुण तत्व। शुद्ध सात्विक गुण, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक, शुद्ध सात्विक और निर्गुण। हमारा सबका मकसद क्या है, जैसे हमें रोज ही मैम बताते हैं कि मेडिटेशन करनी है, करनी है, करनी है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तभी तो आप, हम देखते हैं कि मेडिटेशन करने के टाइम ऐसे बैठते हैं लोग, ऐसे बैठते हैं, मतलब हमारी शक्ति को से मिलाना है, हमारी शक्ति को मुक्ति से मिलाना है, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसी पोजीशन में बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तो हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव क्या है, मेडिटेशन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जी मैम, बहुत अच्छा अंजु कंबोज जी, अपने तो पूरी मुट्ठी मरा माइंड ला दी मारी। इसमें कुंभकर्ण है, इसमें रावण है, इसमें भीक्षण है, और इस समय हनुमान जी, और इस समय भगवान राम है। जी मैम, तो हमें सब अपने अवगुण छोड़ के, वो क्या कुंभकर्ण जी वाला भी छोड़ के, खाना पीना सोना छोड़ के, और रावण जी वाला भी छोड़ के क्या बनना है, विभीषण जी के गुण लेके, हनुमान जी के लेके, तो हमें मेडिटेशन करना है। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने अंजु कंबोज जी। और इसमें खाली आपने सिर्फ 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में तन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, इनके साथ साथ बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें आपने रामायण भी पढ़ा दी, और दूसरा भी ये 5 तत्वों जो शरीर बन रहा है, 5 तत्वों से, 5 तत्वों से ही भगवान बना है, उसमें आपने बता दी पृथ्वी तत्व है और आबो तत्व। शायद आबो तत्व ना मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, आबो मतलब पानी तत्व, पानी वाला तत्व होता है जो, उसको आबो तत्व माना जाता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन सब से बनके ही शरीर बना है, और हमारा शरीर जो है वही तो आत्मा और परमात्मा, जो आत्मा बनी है, आत्मा ही परमात्मा है, वही आपने समझाने की कोशिश करी है, और हम बिल्कुल समझ चुके हैं। और बाकी जो ये सात्विक गुण माने जाते हैं, रज गुण से आगे तमोगुण और सात्विक, शुद्ध सात्विक और फिर निर्गुण की प्राप्ति होती है, वो सारी बात आपने बताई, आज हम बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। भी वही घूम फिर के एक का बात आले है, ज्यादा दूर की घूमने फिर तो बात नहीं है, हम अपनी मारी मुट्ठी में है सब कुछ, अपने भीतर है सारी बातें। तो 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट आपने बहुत बढ़िया तरीके समझाया, और उससे पहले जो पूजा मैडम थे उन्होंने तो कतिये चाड़ा सा पाड़ रखा था, बरसात सी हो रही थी ज्ञान की, जिस तरह जितनी लूटी जा सके लूट लो, जिस तरह जितना बिग्या जा सके बिग लो, मतलब इतना आनंद आ रहा था उनकी बात सुन सुन के। एक तो अपनी हरियाणवी भाषा, ऊपर से ज्ञान की भी भरी पड़ी है। पूजा जी का तो मौका चाहिए था कि कब बोला जा, और वो मौके का पूर्ण फायदा उठाया उनने, और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। और देखो हम रोज ऐसी मजाक कर रहे हैं, सारे काम करते रहे हैं, लेकिन जो हमारा मकसद है ध्यान करना और करवाना, भी खुद तो हम सुख में है, दूसरे भी सुख देना है, वो बखूबी निभा रही है अपना काम भी, किसी भी तरीके से, किसी का हाथ थाओ, किसी का पल्ला थाओ, किसी की पूछ थाओ, सब न पकड़ कर ध्यान में लगा रहा है,
और वो ही हमारे चैनल का भी, मैडम संगीता का भी, आप पीएमसी का वही उद्देश्य है। और उन पर बहुत बढ़िया तरिया चल रही है। पूजा मैडम आपकी जय हो, मैं कहूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हम भी आपके साथ हैं और हम भी आपसे कुछ सीखेंगे। तो संगीता मैम तो है नहीं, शायद दिख नहीं रही, तो भार्गव जी ध्यान का टाइम हो गया, शायद ध्यान करवा लेते हैं। यस मैडम, 5 मिनट मेडिटेशन कर। अभी संगीता मैडम से फोन आया, मैडम का थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, मैडम यूट्यूब में वॉच कर रहा है हमारा सेशन। सो आप 5 मिनट मेडिटेशन करके हम सेशन क्लोज कर सकते हैं मैडम। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैडम, कल का 2 मास्टर्स का सेशन है, एक तो इशिता का, सो वो दूसरा है हमारा शकुंतला मैडम का। सो कल शाम को 2 मास्टर्स का सेशन है मैडम। सर यस मैडम, भजन बोलूं मैं? हाँ मैडम, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका भजन है और जरूर सुनेंगे। यस मैडम जी सर। तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, ते हर पल बन दर वे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलता सदा रहंदा सोखा है, तेरे वचना ते जो चलता सदा रहंदा सोखा है, सुपने विच वीना, सुपने विच वीना डोले विश्वास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचना ते जो चलता सदा रहंदा सोखा है, सुपने विच वीना डोले विश्वास दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आउंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता, तेरे चरणाच मेरी अरदास दाता, इस दासी ते दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी ते दाता जी
एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरणा विच ला लेना, मैनू अपना बना लेना, चरणा विच ला लेना, मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा, मिटे जम त्रास दाता, तेरे चरणांच मेरी अरदास दाता, तेरे चरणांच मेरी अरदास दाता, के हर पल बणदा रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरणांच मेरी अरदास दाता, तेरे चरणांच मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता, मेरी अरदास दाता। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत करें अंजू जी आपने, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। और हम सब की प्रार्थना है कि भी एक पल के लिए भी हमारे मन में संशय ना आवे, और जितना हम भगवान पे विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास बना रहे, और उस विश्वास पर चलते चलते हमारी जिंदगी सफल हो जाए। और वो विश्वास करके हम भगवान का आह्वान करते हैं, अपने गुरु जी का आह्वान करते हैं, और कुछ समय के लिए हम ध्यान करते हैं। इसके लिए आप वही सुखासन में बैठ जाएं, चश्मा लगा रखा है तो वो उतार ले, हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां फंसी हुई, पैर क्रॉस, आंखें बंद करें और अपनी आती हुई सांसों पे, जाती हुई सांसों पे उनको महसूस करें, उनके ध्यान लगाएं। भार्गव जी म्यूजिक प्लीज। हाँ जी, जो भी सांसें आ रही हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, गर्म है, नर्म है, अपनी सांसों को एक कर लें, अपनी सांसों के साथ मन को जोड़ लें। कोई भी विचार आए उसको एक तरफ कर दें, उससे हट जाएं, फिर अपनी सांस पे आ जाएं। बार बार विचार आते हैं, हमें उनको हटाना है और सांसों पे ध्यान लगाना है।
लास्ट एक मिनट लास्ट 30 seconds धीरे से हाथ अपनी आंखों पे रखें धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा सबने अपनी प्रस्तुति पूजा मैडम ने भी अंजू कंबोज ने भी बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से दी सारी बातें हमें अच्छे से समझाई और कल फिर इसी समय हम दो नए वक्ताओं के साथ इसीता और शकुंतला जी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए हम सबसे इजाजत लेते हैं सबको राम राम बाय छोटा सा अनाउंसमेंट छोटा सा अनाउंसमेंट आज हम संगीता मैडम डिस्कस किया हमारा साथ दिसंबर 24 को 24 तारीख से दिसंबर 29 पांच दिन के लिए हम हैदराबाद जा रहा है सो किसी का इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे को डिटेल्स भेज दो मैडम सो अभी फ्लाइट चार्जेस बहुत कम है सो इसके लिए आज डिस्कशन चला सो मैडम ऐसा बोला है सो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ दिसंबर में कोई भी मानना है तो हैदराबाद जाने का सो हमारा साथ मैडम का साथ आ सकते थैंक यू सो मच 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सर यस मैडम 29 तक ओके जैसा कि आप सभी ने अभी सुन ही लिया होगा 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक पत्री जी ने जो उत्तर भारत की महिलाएं हैं उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है और उसमें हम सबको आमंत्रित किया है इच्छा तो हम सबकी है जिसको भी जैसी सुविधाएं लगे अपने घर से जो भी जा सकते हैं आप संगीता मैम से या भार्गव सर से कांटेक्ट करें और प्लीज उन्हें बता दे अपना नाम वगैरह जो भी कंडीशंस है और चलने की कोशिश करें हम भी चलेंगे और फिर कल फिर मिलते हैं इसी समय नए वक्ताओं के साथ धन्यवाद